हेलो गाइस, तो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वाइब्रेशन का यूनिट 3, डेट इज सिस्टम हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। तो मैं हूँ आशीष सिंह, आप देख रहे हो 4B इंजीनियर्स। तो चलिए चालू करते हैं। ओके, तो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर क्या होता है और डिफरेंस क्या है हमारा वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में और वाइब्रेशन आइसोलेटर में? ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस जानते हैं, या फिर सबसे पहले हम जानते हैं एब्जॉर्बर क्या होता है। ठीक है, कोई बॉडी है, उसके वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम एक और सिस्टम, एक सिस्टम है बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम दिस इज द सिस्टम। ये इसको भी ये वाले टर्म को भूल जाओ, ठीक है, ये वाले टर्म को भूल जाओ। ओके, दिस इज द सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम है, इसके वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसके वाइब्रेशन को कम करने के लिए हमने क्या किया, एक और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का ऐड कर दिया, एक और सिस्टम ऐड कर दिया। ड्यू टू दिस द वाइब्रेशन ऑफ दिस सिस्टम विल बी डिक्रीजेस और एब्जॉर्ब। दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। किसी एक सिस्टम को, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम एक और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के सिस्टम को उसमें अटैच कर देते हैं। ड्यू टू दिस जो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब होता है, डेट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। क्लियर? और आइसोलेटर में क्या करते थे हम, आइसोलेटर वाइब्रेटर वाइब्रेशन आइसोलेटर में क्या करते थे, किसी सिस्टम को वाइब्रेशन आइसोलेटर में, ये इसको भूल जाओ, इस मशीन को आइसोलेट करने के लिए, ये मशीन किस पे हमारा है खड़ा है, स्ट्रक्चर पे, इनको आइसोलेट करने के लिए, ताकि कम से कम स्ट्रक्चर तक कम से कम वाइब्रेशन पहुंचे। तो उसके लिए हम स्प्रिंग डैम्पर का यूज़ करते थे, स्प्रिंग लगा देते थे, डैम्पर लगा देते थे, ताकि जो वाइब्रेशन मशीन में हो रहा है उतना स्ट्रक्चर पर ना जाए, स्ट्रक्चर टूटे ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आईसी इंजन है, आईसी इंजन इतना वाइब्रेट हो रहा है तो आपकी गाड़ी का स्ट्रक्चर टूट नहीं जाएगा। तो आप जमीन से हैं, जमीन पे वाइब्रेट हो रहा, चक्का इतना आपका अप डाउन अप डाउन हो रहा है, रोड पे चल रहा है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी का वो टूट नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम सस्पेंशन यूज किए हैं, तो सस्पेंशन जो काम कर रहा है डेट इज कॉल्ड वाइब्रेशन आइसोलेटर। ठीक है, अब हम बाइक में तो एक और सिस्टम का बाइक लगा नहीं सकते, ताकि जो एब्जॉर्व कर रहे वाइब्रेशन, ठीक है, तो वहां पे हम वाइब्रेशन आइसोलेटर का यूज किए हैं। नाउ व्हेन अ स्ट्रक्चर एक्सटर्नली व्हेन व्हेन अ स्ट्रक्चर एक्सटर्नली एक्साइटेड हैज अनडिजायरेबल वाइब्रेशन। क्लियर? ये तो पता है अनडिजायरेबल है। इट बिकम्स नेसेसरी टू एलिमिनेट दैम बाय कपलिंग सम वाइब्रेटिंग सिस्टम टू इट। तो किसी सिस्टम में अगर वाइब्रेशन हो रहा है, वो अनडिजायरेबल है, ये तो हमें पता है, तो उसके वाइब्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए हम उस सिस्टम के साथ एक और सिस्टम को अटैच कर देते हैं। दिस वाइब्रेशन सिस्टम इज नोन एज वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। ओके, तो देखो, तो इससे पहले हमने पढ़ा था फोर्स्ड वाइब्रेशन, फो अनडैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन विथ हार्मोनिक एक्साइटेशन। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में हमने लेक्चर 5 में पढ़ा था फोर्स वाइब्रेशन। ये एक सिस्टम था जिसमें कोई भी डैम्पर नहीं लगा, मतलब ये अनडैम्प्ड है। ठीक है, तो इसमें एक पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा इसका एम्पलीट्यूड इक्वेशन आया, इसका भी एम्पलीट्यूड इक्वेशन आया, जो कि आया x1 और x2 की। तो व्हेन वी हैव फाइंड द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, व्हाट इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम को फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन 6 में जब ये वाले टर्म को हमने 0 पुट किया, तब हमारा x1 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x1 हमारा तब 0 हो रहा है जब हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं 0 कैसे, अब देखो, ये जो टर्म्स हैं ओमेगा इज इक्वल टू, मतलब उसमें K2 है, क्योंकि तो फिर हमने क्या किया, आगे फर्दर इसको हमने डिराइव किया, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारा ये आया। इस नेचुरल फ्रिक्वेंसी में K2 है, K3 है और M2 है। मतलब इफ वी कंसीडर K2, K3 एंड M2 विल बी 0, ठीक है, देन द वाइब्रेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी M1 विल ऑल्सो बी 0। ठीक है, ये किया ना हमने, क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, लेट अस अज्यूम, ये इसको भूल जाओ, ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम है, ये वाइब्रेट कर रहा है, इसके वाइब्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए हमने एक और सिस्टम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का इसमें अटैच कर दिया। ठीक है, तो इसको अटैच करने पे कैसे इसका वाइब्रेशन खत्म हो रहा है, उसका थ्योरी डेरिवेशन जो अभी हमने पीछे किया था इससे लेक्चर 5 में, वो है।
तो हमने डेरिवेशन किया, एक्स वन निकाला, इसके लिए एक्स टू निकाला, फिर एक्स वन में के टू एम टू और के थ्री वाले टर्म को जब हम जीरो पुट कर रहे हैं, इन दैट केस हमारा एक्स वन जो है फॉर दिस एम्पलीट्यूड विल बी जीरो। एम्पलीट्यूड जीरो मीन्स कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। एम्पलीट्यूड माने क्या, यही हो रहा है ना, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो ये जब जीरो हो जाएगा तो कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, क्लियर। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन एब्जॉर्ब। नाउ टू कंट्रोल द वाइब्रेशन अनदर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटिंग सिस्टम इज कपल्ड विद द ओरिजिनल सिस्टम, क्लियर। दिस एडिशन वाइब्रेटिंग सिस्टम नोन एज वाइब्रेशन एब्जॉर्वर कन्वर्ट द होल सिस्टम इन टू अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम विथ टू नेचुरल फ्रिक्वेंसीज। ओके, ये मशीन है, ये फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेस हो रहा है, तो के वन के टू या के ये हो गया, तो एक और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अटैच किए जिसके कारण, तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोलेटर एंड दिस सिस्टम विल कॉल्ड डायनेमिक वाइब्रेटर एब्जॉर्वर, क्लियर। तो ये था हमारा वाइब्रेशन एब्जर्वर, दैट्स ऑल, क्लियर। नाउ इसके बाद एक टॉपिक बचा रह गया है इस यूनिट का, दैट इज व्हिर्लिंग ऑफ शाफ्ट। तो इसका 2 लेक्चर और मैं बनाऊंगा और ये हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देन स्टार्ट करेंगे हम 4th यूनिट, दैट इज मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर।